हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फुल नेम बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। हिंदी में इसे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। एक प्रकार का रोग होता है। इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर अगला है HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इसका हिंदी में मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, यानी इस वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। अगला है RNA। RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA अर्थात इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो RNA का राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इस प्रकार से ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला है ICBN का पूरा नाम ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामक नेचर, ICBN। फिर दूसरा है इसी के साथ में ICZN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामक नेचर। तो एक बॉटनिकल नामक नेचर और जूलॉजिकल नामक नेचर, ये नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता होती हैं। अगला है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसका पूरा नाम होता है, और RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका पूरा नाम होता है। तो ये हमारे रक्त में, रुधिर में या ब्लड में कणिकाएँ पाई जाती हैं। हमारे रक्त में तीन प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। उन्हीं में से ये दो के पूरे नाम हमने आपको बताए हैं। फिर अगला है ATP, अर्थात एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम होता है। और फिर अगला है ADP, इसका पूरा नाम एडीनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अगला है TLC, इसका पूरा नाम, इसका फुल नेम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी हिंदी में अगर कहें तो प्रतिघन मिली रुधिर में ल्यूकोसाइट या श्वेत रुधिराणुओं की संख्या होती है, इसीलिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहा जाता है। फिर है DLC, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, अर्थात प्रतिघन मिली रुधिर में विभिन्न प्रकार के श्वेत रुधिराणुओं की अलग अलग संख्या होती है। फिर है BP, BP सभी लोग जानते होंगे, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब होता है। फिर है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय स्पंदन दर की ग्राफ को मापता है। फिर अगला है फुल नाम CNS, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह सभी क्रिया या अनुक्रिया पर नियंत्रण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में इसको कहा जाता है, ये तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है। फिर है BBB, अर्थात BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, हिंदी में इसे रुधिर मस्तिष्क रोध कहा जाता है। रुधिर एवं मस्तिष्क के बीच कोशिकाओं का बना रोध या बैरियर होता है एक तरीके का, जिसे BBB कहा जाता है, BBB के नाम से जाना जाता है। फिर है MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू होने वाला ये अंडाशय चक्र होता है। फिर अगला है फुल नाम TMV, टोबैको मोजैक वायरस, ये टोबैको मोजैक वायरस है। फिर अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है। फिर नेक्स्ट है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका पूरा नाम होता है। तो आज मैंने आप लोगों को बायोलॉजी से जुड़े कुछ निक नेम, जिनके फुल नेम मैंने आज बताए हैं, तो आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।